हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल? आई होप अच्छे होंगे। तो फिलहाल हमारे एपिसोड्स एंड तक आ चुके हैं मेन सीरीज के। ये एक बोनस एपिसोड है, इसका स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना एक बोनस एपिसोड बनाते हैं पूरी की पूरी अपनी सीरीज को याद करने के लिए, उस टाइप की कि हमने कैसे कैसे काम किए। मेरे ट्रेवर ने, ट्रेवर की लाइफ में कैसे कैसे अमेजिंग काम हुए, बहुत सारे ट्रेवर ने काम किए, बट सबसे पहले ट्रेवर कैसा था जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया था, ये वाला ट्रेवर का स्वैग, माफिया लाइफ का स्वैग, जब ब्लैक्सी भी थी, रोकी डोगी सब साथ में थे, एंड वो भी क्या दिन थे, सोने का घर, अमेजिंग लेवल सी ट्रैवल, एक बहुत तगड़ा माफिया था, लेस्टर के साथ घूमा करता था। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो बे? देखो एक छत पर खड़ा हुआ, एक नीचे। हेलो रोकी बेटे, ठीक है तू? और भाई डोगी शैतान, तेरे को देखे हुए दिन बीत गए, मतलब के ज़माना हो गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को, क्योंकि इसमें भी एक अच्छी सी चीज़ होने वाली है। ऐसा ही नहीं है कि बस हम लोग बात ही करेंगे इस एपिसोड में, दरअसल मेरे को लेस्टर से मिलना है जाकर के। तो बोलो ट्रेवर के साथ कौन कौन घूमने जाना चाहता है, बोलो 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 बोलो। डोगी तो बड़ा शैतान था उस टाइम पर, आपको याद ही है। नमूना अब तो वो करके बोल रहा है, नहीं ट्रेवर मेरा मूड नहीं है, तू जा। बट भाई साहब रोकी, देखो रोकी हमेशा से एक वफादार बच्चा रहा है, मतलब कि बड़ा प्यारा बच्चे की तरह बिहेव करा है उसने। कभी भी आज तक ऐसा नहीं कि ट्रेवर को नाराजगी दे, एकदम बोला मैं जाऊँगा, बोले कहाँ जाना है। तो ठीक है चलिए भैया, पैर ऊपर करके दिखा रहा है मुझे कि मैं जाना चाहता हूँ, तो एक काम कर यहीं पर रहे। ठीक है डोगी तेरी मर्जी यार, देखो जबरदस्ती नहीं करूँगा, मैं नहीं कह रहा डोगी बुरा है, मूड नहीं है उसके जाने का, तो डोगी को घर पर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ जरा गाड़ी लेकर के आता हूँ। तरह पर भैया गाड़ी निकाल लो जेम्स बॉन्ड वाली, फटाफट से एंड निकलते रोकी को लेकर के साथ में। हमारा प्यारा रोकी गाड़ी में बैठ चुका है, कितना प्यारा लग रहा है यार, जमाना हो गया इनके साथ घूमे। देखो नई स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी आप सोचो नई कहानी में भाई रोकी डोगी भी लेना, देखो वो सिचुएशन के ऊपर चलेगी सारी चीजें। वो एक बहुत अच्छी डार्क माफिया स्टोरी है, मैं आपको पहले बता दूं, जिसमें एक डार्क पूरी माफिया दिखाई है और ऊपर से उसमें लव स्टोरी भी है और वो बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें पूरा एक माफिया का पूरा स्ट्रक्चर है, जब उसको देखोगे आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता पूरी कहानी को, आप उसको देखेगा आराम से, जहाँ पर जो चीज़ सही लगेगी वो आपको वहीं पर देखने को मिलने वाली है, और उसमें कुछ भी टॉपिक से हटकर मतलब कि कुछ भी उसमें ऑफ नहीं लगेगा आपको, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट इसमें जाने वाला है, हर चीज़ डिटेल में वो भी। तो रोकी घर पर रहन दो, आगे निकलते हैं। और डार्क माफिया मैंने आपको बोला है, तो मतलब समझ रहे हो कितनी अमेजिंग चीज़ें उसमें दिखाएंगे, मतलब कि अच्छी होने वाली है वो। आगे बढ़ते ट्रेवर बेटे रोकी के लेकर के, मतलब कि रोकी को लेकर के निकल। चलिए रोकी बेटा, अभी हम लोग तेरे प्यारे भाई के पास, मतलब तेरे चाचा के पास, लेस्टर के पास जाना है। लेस्टर वही नमूनों का सरदार, ठीक है ना? तो ठीक है लेस्टर के पास निकलते हैं, उसके बाद दो चार काम करने हैं हम लोगों को, देखते हैं क्या लेस्टर के पास क्या नया मिशन आया। आपको याद होगा जब हमारी नई नई कहानी शुरू हुई थी ना, तो हम लोग लेस्टर के पास जाते थे सुबह सुबह उठ करके, और लेस्टर ही हमारे लिए नया मिशन बताया करता था कि आज ये कर आज वो कर, फिर उसके बाद चलते चलते कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। तो उसी हिसाब से देखते हैं अब क्या बताएगा आज नया काम मेरा लेस्टर भैया। तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे रोकी? आराम से बैठ रहे ना, डरना मत बैठे, क्योंकि ये ड्राइवर ना कभी कभी टक्कर वक्कर मार देता है, इसलिए तो डरना मत, आराम से बैठ रहे सी। अरे हट जा, ए आंटी हट जा से। पहुँच चुका हूँ अपने प्यारे से 80 साल के लेस्टर के पास में। हेलो बेटे लेस्टी, कैसा है बेटे? कहाँ है तेरा बाबा टेस्टी जिसने कमर तोड़ के रखी है? तो कहने की बात ये, अबे रोकी बेटे तू नहीं आएगा? चल तू देख गाड़ी बैठ के मुझे देख दे, कैसे देख ला? ले 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 प्यारा प्यारा भाई, ठीक है मजले। हाँ भैया, अबे कैसे झुके हो बकरे, बड़े दिनों के तुझे देखे हुए तेरे पुराने खानदानी कपड़ों में। अच्छा भाई लेस्टर, अब जरा मेरी बात सुन, क्या मिशन आया है, नहीं क्या चीज़ आई है, कुछ पता मुझे जरा। बोल रहा है गोल्ड के काम चल रहे हैं लॉस सैंटोस से, बहुत तगड़े इलीगल वाले, ऊपर से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक मिली है कुछ बंदे हमारा भी गोल्ड चुराने की तलाश में। ड्राइवर ने बोला अच्छा हमारे पीछे लगे हुए बंदे, और ड्राइवर इस टाइम पीक का माफिया है, तो ड्राइवर इनका पीकॉक बना देगा। अरे मेरे प्यारे लेस्टर, तो चिंता ना कर, ड्राइवर है ना, ड्राइवर है, सब देख लेगा, बस तू ऐसे ही रहे, मैं जरा तेरे को थोड़ी सी टक्कर मारना चाहता हूँ। देख रोकी देर, देख मजे लेंगे तेरे चाचा से, ऐसे ही रहना बे, ऐसे ही रहे। अबे हट जा बे बालू साई से मुंह के, तू हट जा। ए ले बेटे, अरे मजाक कर रहा हूँ लेस्टर बेटे, लेस्टर बेटे, अरे ले 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 लेस्टर गिर गया, मजा आ गया लेस्टर सोली सोली। अरे अरे आज तो मजे ले लेंगे यार, आगे से ऐसे मजे लेने को ना मिले, आज तो नाराज मत हो, मुंह मत बना, ले 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 लेस्टर ब्रो, अरे सॉरी यार सॉरी, एक बार हो, अरे ले 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 लेस्टर यार, ये ना मुझे गाली दे रहा होगा बहुत बहुत तगड़े तगड़े वाली, बट क्या बोले। खैर जो कोई भी एक अब ले लो यार लेस्टर से इतने मजे ले लो, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज से लेस्टर मजे लेने देगा, लेस्टर शैतान दिखाया है बहुत उसमें, और वही 25-26 साल का लड़का दिखाया, शैतान सा बच्चा, पागल सा बच्चा, अजीब लेवल का कार्टून, तो ठीक है। बट भाई कितना भी डी एज कर लो ना इस बंदे को, कितनी इसकी एज कम कर लो, दिखने में एक जैसे लगता है, 25 साल का और 50 साल का लेस्टर फर्क नहीं बता पाओगे। इसको काफ़ी मैंने इसकी एज कम करने की कोशिश करी,
फोटोशॉप में ले गए इस नमूने को, बहुत सारे काम किए, बट भैया इसका कुछ नहीं कर सकते आप। स्किन ठीक कर दी अलग बात है, बट ये तब भी जवान नहीं लग रहा। यह सीरीज 25-26 साल का है, पर तब भी ऐसे रहेगा 40-45 साल का हो। बहुत इसकी एज कम करने की कोशिश करी बट नहीं हुई। बट ट्रेवर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, 30 साल से ऊपर के लगेगा आपको ट्रेवर, ऊपर से माई गली भी आपको जवान लगेगा एकदम अमेजिंग 28-29 साल का। तो मतलब सारे के सारे एक अच्छी एज में है अब की बात, ऐसे नहीं कि भाई साहब बुढ़ापे में हम लोग खेल रहे हैं बंदों से, नहीं 30-30-30 इस टाइप के एज के सारे बंदे मिलने वाले आपको अब की बार, क्योंकि सारे बंदे जवान हैं। ऐसा नहीं है कि सब बुढ़ापे की सहारा बन के हम इनको खेल रहे हैं अब की बार, क्योंकि हमारे GT5 के प्लेयर साहब ने नोट किया, फ्रैंकलिन को छोड़ करके माइकल मिडिल एज बंदा, ट्रेवर भी उतनी एज का बंदा, बस फ्रैंकलिन लिया था ना कम एज का बंदा, तो फ्रैंकलिन की एज के रहने वाले अब की बार सारे के सारे। सिचुएशन क्या होगी वो आप देख लोगे। चलिए मेरे प्यारे रॉकी बेटे, ज़रा कुछ माफिया से लड़ करके आते हैं, डोगी आदत और मजा आता, वैसे रॉकी भी काम कर लिया, कोई चिंता की बात नहीं। ड्राइवर पहुंच चुका है अपने एयरपोर्ट की तरफ, एंड फिलहाल ड्राइवर भैया खुद ही जाने वाले वॉच को यूज़ करके, इस टाइम इसके पास वॉच भी है। वैसे ड्राइवर चाहे तो रॉकी को भेज सकता है और आराम से बातें सुन सकता है। रॉकी के पास जो कॉलर है ना, इसकी टाई है छोटी सी, आपको याद होगा मैं हमेशा इनके जूतों में GPS लगा जाता सबसे पहले, तो पहली बात ये, और इनके जो कोट होता है ना इसमें ना माइक और हमेशा GPS होता है, ताकि ये खो ना जाए या फिर मेरे को कुछ काम आ जाए इनसे तो मैं इनकी बातें वगैरह सुन लूँ। ये चीज़ पहले मैं किया करता था और आज भी करके रखी है, बट ड्राइवर ने सोचा चलो रॉकी को रेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रॉकी तो रेस्ट कर बेटा, नहीं तो पहले मैं ये सोचा था रॉकी के जो टाई में माइक है मैं इसको भेज देता हूँ, ये उनके पास जाएगा उनके बातें सुनता रहेगा और मेरे को सुनाई देगा, बट चलो कोई बात नहीं, रॉकी को रेस्ट करना था, मेरे भाई को ड्राइवर ही जा करके इनका नेता बनाएगा, तो मेरा सोना चुराने की तैयारी चल रही है लॉस सैंटोस में। अच्छा जी इतने बड़े हो गए जी, ठीक है थोड़े और बड़े कर देते हैं इन्हें, मेरे को तो भाई पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ड्राइवर ने मुंह खोल के देखो यहीं से सुन लिया, इनकी नज़र पड़ी ड्राइवर का मुंह दिख रहा होगा, अगर भाई किसी की नज़र पड़ जाए ऐसे देखो ड्राइवर हो ऐसे दिखोगे भूत की तरह खड़ा हुआ किला, वो भाई साहब ये भागते फिरेंगे सारे बंदे। तो कहने की बात ये है अभी क्या करे क्या ना करे, इनका तो मैं नेता बना दूंगा, तो ठीक है निकलते हैं यहाँ से। सही में मेरा गोल्ड चुराने की कोशिश करी जा रही है बहुत तगड़े तरीके से, मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश करी जा रही है, उसके बाद मुझे पीट करके बंदे पता क्या करेंगे, मेरे से इन्फॉर्मेशन निकालना सोच रहे कहाँ पर मैंने सारा सोना रखा है अपना, ताकि उसको चुरा करके मजे ले सके जिंदगी में ऐश कर सके। ऐ बेटे वो भी ड्राइवर को मार करके सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इनके फटाफट कुछ बंदों को जा करके मारता हूँ मैं, रॉकी बेटे तू चल जल्दी से आराम से फटाफट से, मैं अभी फटाफट से कुछ बंदों को मार करके आता हूँ, लेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उससे पहले मेरे को थोड़ा सा घर पर जाना है, कुछ काम है उसके बाद आएंगे। रॉकी को भूख लगी है, थोड़ा सा खाना वाना खिला देता हूँ, बहुत देर से भूख कर रहा है, दरअसल लगता है मुझे खाना नहीं खाया होगा इसने, इसका मतलब आज और घूमने का इसको शौक था, तो इसने बोला ठीक है घूमने चलते हैं जल्दी आ जाएंगे, बट अब बहुत देर हो गई भाई हम लोग घर से निकले 3 घंटे से ऊपर हो गया, अब ये परेशान हो गया कि यार भूख लगी है, अब क्या कर सकते हैं, देखो गलती इसके लिए बेचारे की, क्योंकि डोगी देखो जल्दी भूख लग जाती है और खाते भी दबा के और ऊपर से चबा के भी नहीं खाते, आपने कभी महसूस किया डोगी चबाते नहीं है, सीधा मुँह खोला अंदर टाइप से खाते हैं डोगी, तो जो भी है बस को भूख लगी है, तो ठीक है खाना वाना खिला के आते हैं एंड निकलते टारगेट के पास में। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, चल मेरे प्यारे प्यारे भाई ड्राइवर बस गाड़ी वहीं पर रोक दे, बहुत बढ़िया, तो ठीक है मेरा प्यारा प्यारा ड्राइवर भैया। देखो रॉकी फिलहाल मैं घर पर ही छोड़ करके आ चुका हूँ, उसको दरअसल भूख लगी थी, वो खाना खा रहा है और खाने के बाद थोड़ा नींद ले ली ऐसे फैल गया, डोगी तो सोया हुआ मिला मेरे को नमूना, वो सुस्त हो गया था उस टाइम पर आपको याद ही होगा, तो फिलहाल वो सुस्ती है वो सोया रखा है। एंड देखो एक बात मैंने नोट करी है, डोगी ना रॉकी के आने से बहुत चिढ़ता था पहले से ही, ये मुझे ऐसा लगा कभी ना कभी, क्योंकि जब से वो जैसे रॉकी लाइफ में आया तो डोगी ने उल्टा बिहेव करना शुरू कर दिया था मेरे साथ में, क्या ड्राइवर तब इसको प्यार करता है, ज़्यादा प्यार करता ही नहीं है, तब से ये सारा काम हुआ था आपको याद होगा, और रॉकी अच्छा बच्चा था उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे कितने बंदे क्यों ना साथ में, बट खैर भैया सबकी अपनी अपनी बात होती है। ड्राइवर भैया हथियार निकाल के इनको खत्म कर दो फटाफट से, इसको कहते हैं मिनी गन, बट काम करती है बड़े 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 काम करती है बड़े बड़े, किस समझदार ने इसका नाम मिनी गन रखा पहले मुझे ये बताओ, इतने बड़े काम करती है नाम मिनी गन, अमेजिंग लेवल, वैसे मिनी गन नहीं अरे गलती बोल दिया मैंने इसका नाम, तो ये तो एलियन गन थी, क्या मिनी गन तो वो जो हम डेली चलाते हैं अपनी, बट यार वो भी बड़े काम करती है उसका नाम भी मिनी गन गलत है देखा जाए तो, मिनी गन के हिसाब से कौन कहेगा इसको यार मिनी गन है, वह भाई ये नेता बना देती है, अभी आई थी जो आपने देखा ही है, बताओ ये गन ये सबसे बड़ी गन है देखा जाए तो, ऐसा बजाती है मिनी गन। कुछ बंदे और आ गए मेरे पास में, मैं इनको मार नहीं सकता मजबूर हूँ यार, मैंने गार्ड लगा के रखे मैंने इसलिए लगाया कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेवर नए नए माफिया बना इस टाइम पर, तो ट्रेवर के पास ज़्यादा कोई चक्कर में नहीं पड़ता ट्रेवर को, क्योंकि ट्रेवर को भरोसा है किसी में दम नहीं मेरे ऊपर अटैक करने का, तो भैया कहने की बात ये है बंदे आए बोला अटैक मत करना ट्रेवर हमारे ऊपर, खबर लाएं सिर्फ आपके लिए, चुपचाप हमारे साथ चलिए नहीं तो बुरा होगा, आपके घर पर 2 डॉग्स है ख़त्म हो जाएंगे, आपकी वाइफ है ख़त्म हो जाएगी, मैंने बोला यार ऐसा मत कर यार, तो कहने की बात ये है भैया अब इनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा एक बात बताऊँ
एक बार मेरा मौका लगा ना, ऐसा बजाऊंगा नेता बना दूंगा। समझ में आया? हमारे प्यारे प्यारे नमूनों के सरदार, इन्हें कहते मैं नेता बना दूं। मुझे बोल रहे हैं कि हमारे बॉस तुम्हारे पास 2 मिनट में आने वाले हैं, और अगर तुमने नहीं बताया ना ट्रेवर, तो मैं सच बता रहा हूँ, खत्म कर दे जाओगे तुम। बताओ तुम्हारा सारा गोल्ड कहाँ पर तुमने छुपा कर रखा है? हमारे बॉस गोल्ड लेना चाहते हैं तुम्हारा सारा का सारा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी छोड़ देंगे, जाओ तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने बोला यार धन्यवाद हो तुम्हारा, तुम मुझे माफ कर रहे हो यार, तुम तो मतलब तुम तो कमाल हो, तुम अमेजिंग हो, ये हो वो। क्या बोले और क्या बोले इनकी तारीफ में। खैर एक बात बताओ बड़ा, तुम लोग बड़े बेवकूफ हो, पता क्यों? अबे पीछे देखो और फिर चलो चलो, पीछे वाला बंदा बता देगा तुम्हें गोल्ड कहाँ है, ठीक है ना? मैं नहीं बताता। बंदे देख करके भाग गए यार, अमेजिंग। कोई बात नहीं, पकड़ता हूँ। डॉगी बेटे तू जरा यहीं पर रहे, मजे ले। वैसे मैं चाह तो रहा था डॉगी सेन का शिकार करवाऊँ, बट अभी डॉगी मूड में नहीं है। अभी उठ उठ के आया ना, तो उठ के ना इसकी थोड़ी नींद नहीं उतरती नमूने की, तो जरा मैं आता हूँ। हाँ बेटा मेरे प्यारे दोस्त का पकड़ेंगे, नमूनों के सरदार हो। कितने स्पीड से भागो, कहाँ तक भागोगे? पापा को देख करके डर तो लगता ही है। अरे यार ड्राइवर, कोई बात नहीं बेटे, ऐसे भरेगा तो क्या हो गया? ड्राइवर दुनिया भर के तरीके है, दरअसल गाड़ी अगर फिसल जाती है तो कंट्रोल नहीं होती। देखो भाग रहा, ये लबड़ा मरा नहीं, अब मरेगा। ओके मर गया। तो 2 बंदे और थे, 4 थे ना टोटल। मेरे मेरा सोना चाहिए इनको, मेरा सोना चाहिए, मुझे बांध के लेकर के आएंगे। दरअसल भाई छोटा सा चेंज है, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। ये छोटे मोटे प्लान तो आपको समझ जाना चाहिए, समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था उसमें। दरअसल मेरे को इन्फॉर्मेशन वहाँ पर, जो मैंने बोला था ना चलो रोकी को खाना खिलाने लेके जाता हूँ, वो सब मैंने झूठ बोला था। रोकी को भूख क्यों लगती? रोकी पेट भर के खाना खा के आया था, तब आया था मेरे साथ में। वो मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मेरे को ट्रैवल को स्विच करना था। दरअसल मेरे को नकली ट्रैवल भेजना था जगह पर, मुझे नहीं जाना था वहाँ पर। नकली ट्रैवल इसलिए भेजना था क्योंकि मैं असली के पीछे आना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को ये पता करना था इस गैंग का बॉस कौन है। क्योंकि बॉस का ध्यान हमें रखना था ट्रैवल के ऊपर, और मेरे को रखना था ध्यान बॉस के ऊपर, समझ रहे हो? तो इसलिए नकली ट्रैवल भेजे इसकी आर्मी के पास, ताकि बॉस का ध्यान ड्राइवर के ऊपर खींच जाए और उसकी आर्मी का, और पीछे से मैं पता लगा लूँ बॉस कौन है। और बस ड्राइवर ने पीछे से पता लगा लिया बॉस कौन है इस आर्मी का जिसको चला रहा है। ये बेचारे नकली बंदे के ऊपर ध्यान देते चले गए, इसको यहाँ पे लाया, पीटा, मारा, सारे काम किए, और पीछे पीछे मैंने पता लगा लिया कि असली मास्टरमाइंड कौन है, जिसको ऑलरेडी लेस्टर ने तोड़ करके बांध के रखा हुआ है फैक्ट्री पर। अब चलो उसके चल के वहीं पर नेता बनाते हैं। डॉगी नमूने को बैठा रहता उधर से, डॉगी को इसलिए लेके आया क्योंकि रोकी सो रहा था, वो मैं उसको घर पे ले गया था, तो फिर वो सो गया था, तो मैं फिर इसको ले आया क्योंकि एक का तो लेके आऊंगा ही। डॉगी नमूना बैठ गया, चढ़ के भाई साहब भैंस की तरह ऊपर की तरफ, ये तो खड़ा ही रहता गाड़ी में, बैठता भी नहीं है। तो ठीक है चले कोई बात नहीं, डॉगी बेटे जरा मैं तेरे भाई से बात कर लूँ, 2 मिनट रुक जा, ठीक है? तू गाड़ी में रहे, मजे ले मजे। तो ठीक है, बड़ा प्यार था ट्रेयर को इन दोनों से एक टाइम पर। वैसे उस टाइम पर लाइफ अच्छी थी, उस टाइम पर लाइफ काफ़ी अच्छी थी हम लोगों की, जब रोकी था, डोगी था, एंड अमेजिंग लेवल थे। चलो खैर देखो हर चीज़ का एक वक्त होता है, मैंने फिर बोला कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, पिक्चर तो बिल्कुल नहीं होती। आप शुरू से देखकर पिक्चर को वो नहीं हो सकता कि आपने शुरू में देखी मूवी वो लास्ट तक भी वही चलेगी, लास्ट एंड तो उसका होगा ना कभी ना कभी। तो वही चीज़ हो गई है, एक टाइम पर हमारा फेस बहुत तगड़ा था सीरीज़ का, मतलब उस टाइम पर हम लोग बहुत तगड़े लेवल के माफिया थे, कोई सुपर बंदा लाइफ में नहीं था, वो अलग चीज़ थी। जब सुपर बंदे आए तो वो अलग चीज़ थी, फेस बदला, चीज़ें बदली, सिचुएशन बदली। हेलो भाई जी, चलो खोलता हूँ तुझे। उन्होंने थैंक यू ड्राइवर सर, थैंक यू बचाने के लिए। मैंने बोला भाई नमूने क्यों टेंशन ले रहा है, तुझे बस ऐसे तो भेजा था थोड़े टाइम के लिए ताकि मैं मेन बंदे को पकड़ सकूँ। ठीक है तू मजे ले, जब तक रोकी बेटे मतलब डोगी बेटे, चल तुझे एक बंदे का शिकार करवा के लाता हूँ। फिलहाल तू यहाँ पे तो मूड में नहीं था, वैसे इसका मूड अभी ठीक नहीं है, आजकल कुछ दिन से बेचारा परेशान है। रोकी के आने की वजह से मैंने बोला ना अपसेट रहता है, नहीं तो एक टाइम ऐसा था आपके आते शिकार करता था, मेरे कहने पर इशारा करते ही मार इसको, उसको वहीं तक मार के आता था जहाँ तक भाई वो बंदा भागता था। अरे बहुत खूंखार रहा है ये, आपको ऐसी थोड़ी है, इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड भी आया था, नहीं वो दूसरे के लिए था, एंटीना के लिए, इंटेलिजेंट डॉग ऑफ ट्रेवर, मतलब इसके लिए मैंने बहुत एपिसोड बनाया स्पेशल में, आपको याद ही होगा, ना हो तो देख लो, एक सीरीज़ है शायद से डॉगी स्पेशल करके सीरीज़ है चैनल पे, उसमें बहुत सारे एपिसोड है जिसमें ये दोनों स्पेशल थे मेरे बहुत ज़्यादा, और इनके ऊपर काफ़ी एपिसोड्स बनाए हैं मैंने, 5-6 एपिसोड है जिनमें सिर्फ इन्हीं के ऊपर बातें हुई है पूरे एपिसोड्स में। ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा इनको अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे बंदे थे, अमेजिंग लेवल से। चल भाई ड्राइवर फटाफट से, एक तो गाड़ी इतनी फिसलती है, फिसलू गाड़ी आराम से, चल जल्दी थोड़ा, अरे अरे फिर से आराम से, बहुत बढ़िया, चल 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 चल। नहीं भाई नाइट्रो के साथ सक्सेसफुली नहीं गाड़ी, बहुत ज़्यादा फिसल रही है भाई, इतना ज़्यादा फिसल रही है क्या ही बोले, आराम से चलो 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 पिछली बस, इससे ओवर नहीं चला सकते क्योंकि ज़्यादा ही इसके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अभी हम लोगों को सीधे जाना है लेस्टर की फैक्ट्री पर, क्योंकि वहीं पर लेस्टर भैया ने हमारे प्यारे प्यारे भाई को बांध करके रखा है, इसका नेता था, वहीं बना दूंगा मैं, वो कहते हैं ना उसको तो नहीं छोड़ा जाएगा। जगह पर पहुंच चुका हूँ बेटे, प्यार डोगी तो आराम से गाड़ी में यहीं से बैठे, गर्दन घुमा के देख ले,
अब मैं नहीं चाहता तो ज्यादा वायलेंस देखे, क्योंकि आजकल तो ज्यादा शैतान होता जा रहा है, बहुत ज्यादा क्राइम करने लग गया ये, तो इसकी आदत खराब हो गई ड्राइवर को देखते देखते कि सुबह शाम मर्डर करता है ड्राइवर ये वो वगैरह वगैरह। पहले मैंने सोचा इससे मरवाऊंगा, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि लेस्टर के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया है। देखो पहले हम बंदों के साथ ऐसे ही किया करते थे, आपको याद होगा ड्राइवर एक टाइम में बहुत खूंखार बंदा था, तो फिलहाल सिंपल सा प्लान बनाया था भाई तूने, मतलब सोना किसके लूटेगा ड्राइवर का, अबे तुझे छुआरे को मैं नींद में पकड़ लूँ, मेरे नकली बंदे को तुम पहचान नहीं सके, एक सेकंड में तुम फंस गए। वाह बेटा वाह, अबे बेटा तुम्हारे लिए तो मैं नींद में प्लान बना दूँ, मैंने बोला ना। चलो लेस्टर ने बोला इसको चलाना है, ताकि दूसरे बंदे सोच सोच के भी डरे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सॉरी भैया लाबेला पेट्रोल ला मेरे भाई को थोड़ा सा, अभी हम क्या कर सकते हैं यार, देखो करते हुए अच्छा लग रहा बट बदतमीज बंदों के लिए सिर्फ यही काम करता है ड्राइवर। अब लोगी आंखें बंद कर लेना नमूने, इतना वायलेंस सीखने तेरे को देखना, नहीं तो पता चले कल को घर के स्टाफ को आग लगा दी इसने, कोई भरोसा नहीं है, बहुत शैतान डोगी है। अरे भाई इसकी शक्ल है मत जाना, क्यूटनेस वूटनेस से कुछ लेना देना इससे, अंदर एक डीमन बंदा है इसके, दिखने में भले ही क्यूट लगता हो बट बड़ा शैतान है। अगर खाने में उल्टा सीधा कर दिया ना घर वालों ने जो घर पर काम करते हैं, और इसको खाना पसंद नहीं आया इसका बना हुआ, तो भरोसा कुछ नहीं है, किसी ने अपने स्टाफ में आग लगा दी इसने, ये ऐसे ऐसे काम करता है। ओ बेटे अरे स्पाइडरमैन को बांध के रखा था हम लोगों ने, अब क्या है ये, फाइनली जल तो गया बट यार सच्ची में स्पाइडरमैन था हमारे यहाँ पर, अमेजिंग रस्सी तोड़ी ऐसे जैसे रॉकेट बन के भाग जाएगा। खैर जल तो जाएगा ही, पेट्रोल से कब तक बचेगा। तो मेरे प्यारे लेस्टर ब्रो चल बोल आखिरी खर्च बोल नमूने, ये देखो कैसा है लेस्टर, लेस्टर को मैंने 25 साल का भालू बनाया है। चल ठीक है लेस्टरा चल तू चल तू यही ना, ठीक है मैं जाके चेक करता हूँ। इसने मेरे को एक बात बोली ड्राइवर, एक बार चल चल के जाके सोना तो चेक कर ले, कभी हैंगर में किसी ने सोना चुरा लिया और हमें चूना लगा दिया हो। मैंने बोला ऐसे किसी में दम नहीं है, लोगी बेटे बस चुपचाप कभी बैठा रहा कर, तू गंदी मत कर अगर गाड़ी को, देखो कैसे है अली कितना प्यारा लगता है ना। सही में जब इसको मैंने सूट बनाया था ना 400 एपिसोड था, याद होगा ना जब ड्राइवर की शादी थी तब मैं इसके लिए पहली बार सूट लेकर के आया था, मेरे को याद आज भी वो 400 एपिसोड था। हाँ 400 ही था ना, नहीं 300 था यार, 400 ड्राइवर के बर्थडे वाला था, 300 था एपिसोड, 300 था ड्राइवर की शादी 300 एपिसोड में हुई थी, एंड तब मैंने इसके सूट डिज़ाइन करवाया था, क्या मस्त सूट आए है एक नंबर, इसके लिए ऐसा सूट बनवाया था मैंने लोस सेंटर से, कोई उस टाइम ऐसा सूट नहीं बनाया था रोगी इसको, और देख रहे हो उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब बड़ा फन किया हम लोगों ने इन 4 साल में, हमने ड्राइवर की लाइफ में बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें हुई एंड अमेजिंग। पर ऐसी बात नहीं है, अभी अभी हम सोचे कि नई सीरीज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा, उससे भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, उसमें इमोशन भी है, उसमें लव भी है एंड उसमें डार्क माफिया है बहुत तगड़े वाली, उसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, मज़ा आए मतलब बहुत अच्छा फील कराएगी वो, और आपको इमोशनली भी कनेक्ट करने वाली है धीरे धीरे। बट देखो एक से एपिसोड में सब कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे जब आपको कैरेक्टर सामने आ जाएंगे और उनके बेस आपको पता लग जाएंगे, आप उनकी स्टोरी को समझ जाओगे, उनसे फैमिली हो जाओगे, तो आपका बॉन्ड बन जाएगा। कहानी से बॉन्ड बनने के लिए टाइम जाता है, ऐसे नहीं कि एक ही एपिसोड में आपको पूरी कहानी मिल जाएगी, भाई अच्छा ये विलन है इसको मारेंगे तो कहानी हर खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डार्क माफिया है, बहुत सस्पेंस होने वाले हैं और ऊपर से अंदर डीप में चीज़ें चलने वाली हैं, तो आपको पता लग जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई रोकी अरे मतलब डोगी, चल तेरे को हैंगर में लेकर के चलता हूँ, तुझे इतना सोना ना तेरे पूरे खानदान ने नहीं देखा हुआ एक साथ में, मैं तेरे को दिखाता हूँ। सही बात है डोगी कौन सा सोना देखते हैं, दुनिया कौन सा डोगी सोना देख के जीता होगा। लेस्टर भी ना पागल है यार सही में, मतलब सारा का सारा सोना हैंगर से ऊपर निकाल के रखा हुआ है, अभी नमूनों के सरदार मुझे बोलता है ट्रेन में शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, मैं रिस्क नहीं लूँगा बिल्कुल भी। तो मैंने बोला ठीक है यार, बट तू फिर भी रात आधी रात के तो काम कर रहा है नमूनों का सरदार। तो फिलहाल देखो डोगी को ना मैं छोड़ करके आ चुका घर पर, क्योंकि डोगी एक जगह पे जब जहाँ पर मैं जा रहा था ना वहाँ पर सोना है नहीं, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो फिर मैंने सोचा रात हो रखी है उसको मैं घर छोड़ के आया। तो मैं आपको सोना दिखाने लाया था कि ट्रेवर उस टाइम पर कितना अमीर हो चुका था, ये कुछ भी सोना नहीं है, 5% है ट्रेवर, और भी बहुत सोना है। दरअसल हम लोग चेंज कर रहे हैं लेस्टर के कहने पर, सारी जगह चेंज कर रहा है लेस्टर, क्योंकि बोल रहा है ट्रेवर बंदे हमारे सोने के पीछे पड़े यार, और मैं नहीं चाहता बंदे हमारे सोने के पीछे लगे रहे, क्योंकि भैया कुछ भी हो सकता है कल को। तो मैंने बोला ठीक है जो तेरी मर्जी है कर। तो कहने की बात ये भाई, ये बोनस एपिसोड सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको याद दिला सकूँ ट्रेवर की लाइफ कितनी अमेजिंग रहा करते थे एक टाइम पर, ड्राइवर लॉस एंजेलिस का माफिया, आर्मी पुलिस कुछ नहीं बोलती थी, रोकी डोगी प्यार करने वाले दो डोगी थे, एक अच्छी वाइफ थी निकी भी थी, लेक्सी भी आई फिर, मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी, डेविड भी हमारी लाइफ में आया वो भी अमेजिंग बंदा था, मतलब कहने की बात ये सब कुछ परफेक्ट था। कहानी कब बिगड़ी, जब प्रीडेटर ने अपना असली रंग रूप हमें दिखाया, हमारी कहानी में एंट्री विलन्स की, मेन विलन्स जो आए ट्रेवर की लाइफ के जो असली विलन्स थे प्रीडेटर के आने से शुरू हुए। चलो खैर जो भी था सब कुछ अच्छा रहा सीरीज़ में, सब कुछ बेस्ट रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ, जब तक के लिए बाय।